हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम ट्रेडिंग। जैसा कि आप जानते हैं, कभी मार्केट में जब भी कोई नया आईपीओ आता है तो जो बिगनर्स लोग होते हैं, जो नए नए शेयर मार्केट में होते हैं, उनको आईपीओ का मतलब नहीं पता चलता, उसमें इन्वेस्ट कैसे करें और इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए किसी भी आईपीओ में, इन सब क्वेश्चन उनके सामने अराइज होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप उन सब क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एन आईपीओ? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी नई नई शेयर मार्केट में लॉन्च होने के लिए या लिस्ट होने के लिए आती है तो वो एक आईपीओ लॉन्च करती है, जिसमें क्यूआईबी, एनआईआई और रिटेल इन्वेस्टर अपना बिड लगाते हैं और उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आप जीरोधा, अपस्टॉक्स या एसबीआई के एसबाग जो प्लेटफॉर्म है उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इशू होते हैं जो कंपनी लेके आती है। इसमें मैं पहले लेता हूँ, इसमें एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है राइट इशू एंड तीसरा होता है प्रेफरेंशियल। तो हमें पब्लिक और राइट इशू पे फोकस करना होता है, प्रेफरेंशियल हमारे लिए नहीं होता। ठीक है, अब पब्लिक में भी दो तरह टाइप के होते हैं, एक इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, एक फर्दर पब्लिक ऑफर होता है। और इनिशियल पब्लिक ऑफर में एक फ्रेश इशू होता है, ऑफर फॉर सेल होता है, और फर्दर पब्लिक ऑफर में भी फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल होता है। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर तो पता है कि जो नई नई कंपनी है, नई नई शेयर मार्केट में आएगी, वो लेके आती है आईपीओ। और इसमें भी दो तरह के इशू होते हैं, एक तो कंपनी अपने शेयर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और जो एक जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है वो अपने शेयर बेच रहा है। तो शेयर होल्डर जब अपने शेयर बेचता है वो होता है ऑफर फॉर सेल, और जब कोई अपनी कंपनी फ्रेश इशू निकालती है शेयर्स की, वो होता है फ्रेश इशू। ठीक है, इसी तरह एफपीओ में भी यही होता है। एफपीओ में क्या होता है कि कोई कंपनी पहले से लिस्ट है शेयर मार्केट में और वो और नए शेयर मार्केट में उतारना चाहती है। जैसे इस एक कंपनी के 1 करोड़ शेयर पहले से शेयर मार्केट में अवेलेबल है, बट वो 1 करोड़ और नए शेयर इंट्रोड्यूस करना चाहती है शेयर मार्केट में, तो वो एफपीओ के थ्रू लेके आएगी। फैक्टर टू बी कंसिडर, जब कोई कंपनी नई नई शेयर मार्केट में आती है तो उसको बहुत सारे नॉर्म्स को क्लियर करना पड़ता है, सेबी एलिजिबल क्राइटेरिया, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, सेबी बुक बिल्डिंग गाइडलाइंस, बहुत सारे होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वैसे ऐसा इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, कभी कोई भी शेयर बाज़ार में आएगा तो उसका कुछ प्राइस बैंड होगा कि इतने से इतने प्राइस के बीच में मिलेगा, इतनी क्वांटिटी आपको मिनिमम बाय करनी पड़ेगी। ये सब एक मेथड होता है, बुक बिल्डिंग मेथड, उसके थ्रू ये डिटरमाइन कर किया जाता है। ठीक है, बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है कि बुक बिल्डिंग मेथड इज़ बेसिकली प्रोसेस यूज टू इनिशियल पब्लिक ऑफर विच हेल्प्स टू डिटरमाइन प्राइस एंड डिमांड ऑफ डिस्कवरी। मतलब उसका आईपीओ का प्राइस डिसाइड करने और उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, उसको डिसाइड करने के लिए बुक बिल्डिंग मेथड यूज़ किया जाता है। अब कभी कोई भी आईपीओ बाज़ार में लिस्ट होने होता है तो उसको लिस्टिंग के लिए किसी रजिस्ट्रार के थ्रू रजिस्टर करना पड़ता है। तो मेनली दो तरह के रजिस्ट्रार ही यूज़ होते हैं आईपीओ को लिस्ट करने के लिए, एक होता है केफिनटेक एंड एक है लिंकिन टाइम। ठीक है, इन दोनों रजिस्ट्रार के थ्रू ही आईपीओ शेयर मार्केट में लॉन्च होते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं कि आईपीओ असल में होता क्या है। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है जिनको कुछ नहीं पता आईपीओ के बारे में। आईपीओ इस तरह का होता है, जैसे अभी हाल में पीछे यूटीआई एएमसी का आईपीओ आया था, इसके आईपीओ डेट है 29 सितंबर से 1 अक्टूबर अब जो क्लोज हो चुकी है। ठीक है, और इसमें आईपीओ प्राइस बैंड जो था 552 से 554 के बीच में था। ठीक है, और लो मिनिमम लोड था 27 का, और कोई भी रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 15,000 एंड मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता है शेयर मार्केट में। फ्रॉम वन मतलब इन एक एक आईपीओ के लिए 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता कोई भी रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, ये कुछ डेट्स हैं। 1 तारीख को बिड क्लोज हो जाएगी, उसके बाद 7 अक्टूबर को डिसाइड हो जाएगा किसको आईपीओ मिला है किसको नहीं मिला। अगर जिसको मिला है उसके शेयर उसके डीमैट अकाउंट में 9 तारीख को क्रेडिट हो जाएंगे, और जिसका नहीं मिला वो 8 तारीख को उसका पैसा वापस हो जाएगा, और 12 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, और आईपीओ की लिस्टिंग एनएससी और बीएससी में होती है, सिर्फ एनएससी और सिर्फ बीएससी में भी हो सकती है। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि आप किसी प्लेटफॉर्म से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें भी मान लो 100 सीट है और 1000 बंदों ने अप्लाई कर दिया तो आपको कैसे मिलेगा? तो इसमें कंप्यूटर रैंडमली चूज़ करता है बंदे का। तो जैसे अब यूटीआई एएमसी के केस में क्या है, देखो क्यूआईबी के लिए इन्होंने 50% सीटें रिजर्व कर रखी थी, एनआईआई के लिए 15% और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% सीटें रिजर्व थी। तो क्यूआईबी में देखो 3.34 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, एनआईआई ने 0.93 टाइम्स सब्सक्राइब किया, मतलब 100% भी नहीं हुआ इसमें।
ठीक है। और मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें 2.32 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, मतलब ये रिटेल के लिए, और मतलब एक सीट पे 2.3 टाइम्स बंदे अवेलेबल हैं। तो मतलब 2.3 टाइम्स बंदों में सिर्फ एक बंदे को IEIPO रिसीव होगा, समझ गए। तो ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आप शेयर मार्केट से के बारे में फ्री में अपडेट चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक एंड ज्वाइन माई फ्री टेलीग्राम चैनल। आपको सारी डिटेल फ्री में मिलेगी उस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।